मुफ्तिया ने इकराम बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मस्जिद आमिर के मुफ्ती सैफ साहब मुफ्ती सुहेल साहब बढ़िया शॉट ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರನೆ ನಾವು ಭಾವಕ್ಯತೆಯಿಂದನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಏಜ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಉಲ್ಮಾಯ ಕರಾಮ್ ಕಿ ಶಾನದಾರ್ ಪಹಲ್, नौजवानों को नमाजों की पाबंदी के साथ स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करने की मुहिम, इबादत भी सेहत भी, सेहत के लिए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की तरगीब, बोमनहल्ली के उलमाए कराम की अनोखी कोशिश। जी हां दोस्तों, सिर्फ तकरीरों बयानों के जरिए नहीं बल्कि मैदान में उतरकर नौजवानों से घुल मिलकर बेंगलुरु के बोमनहल्ली इलाके में उलमाए कराम नौजवानों की तरबियत व रहनुमाई का काम अंजाम दे रहे हैं। उलमाए कराम कहते हैं कि स्पोर्ट्स भी खेलकूद भी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है। अगर सेहतमंद रहेंगे तो इबादत भी पूरी चुस्ती के साथ तवानाई के साथ अंजाम दे सकते हैं और सेहतमंद लोगों से सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए बोमनहल्ली इलाके की मुख्तलिफ मस्जिदों के तहत पहली मर्तबा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद अमल में आया। अहम बात यह रही कि हर क्रिकेट टीम के कप्तान मस्जिद के खतीब व इमाम थे, यानी उलमाए कराम की क़यादत में नौजवानों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 5 सितंबर 2024 बाद नमाज फजर इकरा गेम्स विलेज के मैदान में इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान के हाथों अमल में आया। बोमनहल्ली की मशहूर मिल्ली तंजीम अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार, मुकामी सियासी लीडरान रविंद्र बोमनहल्ली, अश्वत नारायण व दीगर इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 25 साल से जायद उम्र के उलमाए कराम, दीनी मदारिस के असातिज़ा, मुसल्लियान और मस्जिद कमेटी के अरकान ने हिस्सा लिया। फाल्कनर स्पोर्ट्स एकेडमी, अंजुमन अल अंसार व दीगर तंजीमों की कोशिशों से व दीगर के ताउन से रिजवान खान मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद अमल में आया। उमर इस्माइल खान, सैयद सरदार व दीगर ने उलमाए कराम की इस कोशिश को वक्त की जरूरत करार दिया, क्योंकि मौजूदा नस्ल ड्रग्स मोबाइल फोन की लत का शिकार होकर अपनी जवानी से महरूम हो रही है। बैड हैबिट्स की वजह से नौजवान न सिर्फ अपनी सेहत से अपनी हेल्थ से महरूम हो रहे हैं बल्कि अपने खानदान को भी परेशानियों में मुब्तिला कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ स्पोर्ट्स को बहाना बनाकर उलमाए कराम नौजवानों की इस्लाह व तरबियत का बेड़ा उठाए हुए हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद बेग नदवी की सरपरस्ती में 19 साल व 15 साल से कम उम्र के तलबा के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का सिलसिला बोमनहल्ली इलाके में शुरू किया गया है और अब 25 साल से जायद उम्र के नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट तरतीब दी गई है। बहरहाल ये पूरी कोशिश ये पैगाम दे रही है कि उलमाए कराम नौजवानों की इस्लाह व तरबियत के लिए अगर इस तरह के अमली इकदामात करें तो इसके बेहतरीन नतायज सामने आ सकते हैं, माशरे में खुश आइन तब्दीली देखने को मिल सकती है। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ख्याल है आपको कि इस तरह की एक टूर्नामेंट होनी चाहिए? सबसे पहले तो अंडर 1915 के जो हमारा फुटबॉल फाल्कनर क्लब चल रहा है, हजरत मौलाना खालिद बेग नदवी साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आजकल नौजवान बच्चों में हम ये देख रहे थे कि मोबाइल एडिक्शन ज्यादा हो गया था
और फिर उससे भी बढ़कर ये ड्रग्स एडिक्शन भी बढ़ रहा था हमारे माशरे के अंदर, तो स्पोर्ट्स की तरफ हमारी बिल्कुल भी दिलचस्पी कम हो गई थी, स्पोर्ट्स की तरफ और अपनी सेहत की तरफ लोगों की तवज्जो बिल्कुल कम हो गई थी, बिलखसूस हमारी कम्युनिटी के अंदर इसकी तरफ माँ बाप तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से हर मोहल्ले में ये मोबाइल एडिक्शन और ये ड्रग्स बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अंडर 19 और 15 हमने फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किए और उनकी टीमें बनाई यहाँ मोहम्मद अली मोहम्मद पहले में हर मस्जिद के तहत एक एक हमने ये कोशिश की, तो अल्लाह के फजल और करम से हमारे मोहम्मद अली के तमाम उलमाए किराम और बिलखसूस मोहम्मद अली के मसाजिद के जिम्मेदारों ने हमारा इसमें साथ दिया, और फिर धीरे धीरे डेढ़ दो साल से मुसलसल ये एक निजाम फुटबॉल टूर्नामेंट का चल रहा है। फिर दूसरा ये भी ख्याल आया कि भाई सिर्फ अंडर 19-15 के ही बच्चों के ताल्लुक से हमारी तवज्जो या हमारी फिक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे आगे बढ़कर जो अबव एज के लोग हैं, जैसे 25 इयर्स के ऊपर के लोग हैं, उनको भी फिट बनाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारी आजकल क्या है, बीमारियां हर तरफ से घेर रही हैं, लोगों के अंदर फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी शुगर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा जो है ना आजकल दिखने को मिल रही है, तो लोग खेलेंगे तो फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे, और इस्लाम भी इसकी तरगीब देता है। इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात वाज़ह तौर पर बयान फरमाई है, अल मोमिनुल क़वी अहब्बु इलल्लाह मिनल मोमिन ज़ईफ, के ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी उस दौर में, आज जो ओलंपिक्स के अंदर 10 इंटरनेशनल गेम्स खेले जाते हैं, अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 5 ओलंपिक्स के खेल इंट्रोड्यूस कराए, मुतआरफ कराए हैं। सिर्फ हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से आज मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम में कोई स्पोर्ट्स का शोभा नहीं है, इस्लाम स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दिलाता, ऐसा हरगिज भी नहीं है। जैसे आज ओलंपिक का एक इंटरनेशनल गेम रनिंग रेस है, बाकायदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रनिंग रेस भी किया है, स्विमिंग भी किया है, नेजाबाजी भी, जैसे जैवलिन, तो हमारे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने गुज़श्ता गोल्ड जीता था, इस मरतबा सिल्वर जीता था, तो जैवलिन तो ये नेजे का भी बाकायदा स्पोर्ट्स हुआ करता था। फिर इसी तरीके से तीर और कमान, ये जो आर्चरी का खेल है, ये भी बाकायदा हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मुतारफ हुआ है ये खेल। उसके अलावा घोड़ाबाजी है, घोड़ों को दौड़ाना और फिर उसके ऊपर खड़े होकर नेजाबाजी करना, ये सारे जो ओलंपिक्स के मशहूर गेम्स हैं, बाकायदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये भी साबित है। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रुकाना पहलवान से, अरब का बड़ा मशहूर पहलवान था, उससे बाकायदा मुकाबला किया, रेजलिंग थी हमारे इस्लाम के अंदर। लेकिन हम उसूल बयान करते हैं कि खेल मुख्तसर हो और फिर फिजिकली डेवलपमेंट हो उसके अंदर, और फिर जो है ना कोई सट्टाबाजी ना हो, बस इन चंद उसूलों के तहत लोग खेलें, खूब खेलें, अपने बच्चों को खिलाएं, और हमें भी जो है ना खेलना चाहिए, और वो खेल खेलना चाहिए कि जिससे फिजिकली हम लोग फिट रह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदीना नगर बोमन अली मंगम पाड़िए के 12 मसाजिद और 12 मसाजिद में 12 अइम्मा की कैप्टनशिप में अल्लाह के फजल और करम से ये टूर्नामेंट यहाँ पर आज फाल्कनर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। शुक्रिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लाइन में, हर शोबे में रहबरी फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग दौड़ में सहाबे किराम को लेकर, कभी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी उन्होंने भाग दौड़ की है, इसी तरह से तीर अंदाजी में कई खेल ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजाद फरमाए, बल्कि रहबरी भी फरमाई, खुद भी अमल किए। इसी तरह तीरना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। असल में खेल के जरिए से हम तमाम मसाजिद के उलमाए किराम को, तमाम मुसल्लियाने किराम को, खास तौर से नौजवान, हमारा टारगेट है कि नौजवान अगर अइम्मा किराम से, उलमाए किराम से जुड़कर रहेगा तो उसकी वो दूसरे नौजवानों को भी लेकर आएगा, तमाम नौजवान तबका उलमा की निगरानी में रहेगा, तो सबसे बड़ी बात वो नमाजों का आदि होगा, वो दीनदार रहेगा, उसके ईमान की भी हिफाजत होगी,
आने वाली नस्ल की भी वो खुद फिक्र करेगा। इसलिए उलमाए किराम के हमेशा हमारे बमनहली के उलमाए किराम के खास तौर से ये शुरू से ही मेहनत रही है, फिक्रें रही हैं कि किसी तरह भी यहाँ के हमारे महल्ले के नौजवानों को लेकर किसी तरह भी मसाजिद से जोड़ना और दीनी कामों में जोड़ना और नौजवानों को भी मुकम्मल रहबरी करना, ये हम तमाम उलमाए किराम की अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को उलमा से जुड़कर रहने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम जो है एक एतदाल पसंद मजहब, उसमें इतनी भी सख्ती नहीं है कि रहबानियत इख्तियार की जाए, कि सब कुछ छोड़कर जो है अकेलापन इख्तियार किया जाए, और इतनी भी नरमी नहीं है कि हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हुए खेल कूद में लग जाए, नमाज छोड़ दें। तो एतदाल पसंद मज़हब है, दरमियाना रवि है, और इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी कई तरह के खेल, तीर अंदाजी है, घोड़ सवारी है, ये सारी चीज़ें इसलिए की कि इंसान फिट रहे। कुरान मजीद में भी अल्लाह का फरमान है, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, कि जब मुनाफिकीन नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती इख्तियार करते हैं। तो सुस्ती जो है ये मुनाफिकीन की सिफत है, मोमिन की सिफत ये है कि वो हमेशा फुर्तीला रहे, ताज़ा रहे, कि जब मौज़िन अजान दे तो फौरन जो है वो मस्जिद की तरफ लपके। तो इसलिए हमें चाहिए कि जायज़ हुदूद में रहते हुए दुनिया में जितने खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह के गेम्स में हम आगे आएँ, ताकि अपने जिस्म को फिट रखें और दीन के कामों में अपने जिस्म को लगाएं, नमाज में लगाएं। और इसी तरह दूसरी अहम चीज़ ये है कि खेल के उनवान पर जो है बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इंसान की ये सिफत भी समझिए कि वो उसका दिली मामला है कि खेल पर अगर बुलाया जाए तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। असल मकसद जो है खेल नहीं है, नौजवानों को बनाना है। खेल तो बहाना है, नौजवानों को बनाना है। तो इसलिए खेल के उनवान पर जमा करके नौजवानों की तरबियत और इनकी फिटनेस पर इनको तवज्जो दिया जाए और दीनी कामों में और इस्लामी कामों में, मिली सामाजिक कामों में लगाया जाए, यही इस टूर्नामेंट का मकसद है। और ये टूर्नामेंट जो है हमारे जनाब रिजवान साहब मरहूम, जिनका भी चंद दिन कबल इंतकाल हुआ है, उन्हीं के नाम से ये कप मौसूम करके किया गया है। उनकी ये दिली ख्वाहिश थी और उन्होंने सबसे पहले इस ग्राउंड के लिए जो है पैसे भी, रकम भी जो है पे की है, तो उन्हीं के नाम से ये मौसूम है। 12 टीमें इसमें हिस्सा ली हुई हैं, हर मस्जिद से एक टीम है और हर टीम में आलिम कप्तान है और उलमा भी हैं और मस्जिद के जिम्मेदारान भी हैं और मुसल्ली भी हैं। 25 साल से ऊपर के अहबाब को जो है इसमें शरीक किया गया है। दुआ फरमाएं कि जितने ये दीनी काम इस लाइन से हो रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है, स्पोर्ट्स में इतना तवज्जो दे रही है और इतनी माहिर भी है, ये पूरा प्रोग्राम ने किया। तो इसके क्या फायदे होंगे? हाँ माशाल्लाह, देखो पहले बात तो जो जो 12 टीम के 11 प्लेयर्स कितने टीम मुसलमान की तरफ देख रहा है और सफेद फरेज वजह के बाद से हो रही है, हर टीम का कैप्टन जो है उस मस्जिद के इमाम साहब, तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिजिकल फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियसनेस और रिलीजियस फीलिंग, ये सब जो है इसमें बढ़ गया। और हमारा कौन नौजवान जो बहुत ज्यादा फायदे हैं, पता नहीं क्या भूल जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छा प्रोग्राम मुफ्ती इमरान और उनकी टीम ऑर्गेनाइज की है, हर चीज का ख्याल रखें। एक्सपर्ट्स जो है फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम फुटबॉल टूर्नामेंट के साथ से रनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फर्स्ट टाइम ये शॉर्ट शॉर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं शामिल आऊँ, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह मीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से क्या ताउन रहेगा इस तरह के मुकाबलों के लिए, खेलों के लिए?
अभी मोहम्मद साहब ने जिक्र किया कि हॉस्पिटल में जब हम फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं वहाँ इंशाल्लाह क्रिकेट टूर्नामेंट की गुजारिश की है, इंशाल्लाह क्रिकेट टूर्नामेंट की जगह पंद्यावली नड़ीता अन्स्ता सुंदर ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂಜಮಾನ್ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 12 ಮಸೀದಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಟಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಮರ್ದಾ ಹೋದಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಭಾವ್ಯಕತೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರನೆ ನಾವು ಭಾವ್ಯಕತೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈ ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಚಟಗಳಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕರೆದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರ ಬಮ್ನಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಿ 12 ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಏಜ್ ಆದವರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ಸು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಅವರು ಬಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ಏನು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಇವರು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಈ ಆಟ ಆಟಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಬಿಳೆಕಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾಲ ಆಯಾ ಕಿ ಇಸ್ ತರಹ ಕಿ ಏಕ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಜಿಸ್ಮೆ ಉಲ್ಮಾ ಕರಾಮ್ ಕಿ ಕಯಾದತ್ ಹೋ ಔರ್ ನೌಜವಾನೋ ಕೋ ಖಿಲಾಯಾ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ್ ಯೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಜಹ ಸೇ ಖಿಲಾ ರಹೇ ಆಜ್ ಕಲ್ ಜೋ ನೌಜವಾನೋ ಜೋ ನೌಜವಾನ ಛೋಟಾ ಜೋ ಭೀ ಹೈ दूसरे दूसरे ग्रुप है ना हमें सभी हमारे बचपन में क्रिकेट खिला देते कबड्डी खिला देते खो खो खिला देते बहुत स्पोर्ट्स के है हर बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर खेलने का जज्बा होता है लेकिन आजकल नौजवान बच्चे स्पोर्ट्स के तो क्या नहीं सिर्फ मोबाइल 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 हर मोबाइल छोड़ कर और दूसरे गलत रास्ते में जाना उससे उससे हमें जो है हमारे उमा कराम हजरत के ये अवेयरनेस कैसा करना तो मुश्किल है सोच के ये क्रिकेट खिलाने का जो लेके बच्चों को सारों को लेके खिला रहे लेकिन बच्चों को दूसरे दूसरे स्पोर्ट्स से पिछले 2 महीने पहले फुटबॉल भी खिला रहे अरे बड़े बच्चों को लेकिन छोटे 16 साल के नीचे बच्चों को फुटबॉल का खिलाया है लेकिन अभी ये 18 साल के ऊपर वालों को बुलाने का हमें ये था लेकिन कोई भी एकदम नया उसके लिए हमारे मस्जिद के जिम्मेदार हो और मुझे उमा कराम पूरे मिलकर हमारे नौजवान पूरे मिलकर क्रिकेट खेल रहे उसके से और उनको भी जज्बा आता है उन्हें भी मैच तो बहुत बड़े पैमाने पर तो और ये सिर्फ ये मस्जिद के इसके हमने खिला रहे लेकिन ये मैच तो बहुत बड़े पैमाने पर आता ये हर आदमी बम्बेली के अंदर जो भी क्रिकेट खेलना चाहता है उसको सबको भी गवर्नमेंट को घबरा के उनको खिलाने की कोशिश करते तो बहुत बड़े पैमाने पर लेके जाते और हमारे आजकल नौजवान ये स्पोर्ट्स करना जितने भी नौजवान हैं बहुत अच्छे अच्छे खेल रहे हैं के प्लेयर हैं लेकिन उन्हें क्यों नहीं चाहते टाइम की छुपको मतलब उन्हें स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है उसके उनको खराब में कुछ अलग अलग उनके
तो मसाइल में उनके परेशान हम कहते हो ये क्रिकेट हम ले आते हैं और सबरी भी ले आते हैं कई स्पोर्ट को लेकर, लेकिन हर इंसान हमें मजे से और हमारे बहन है सामने उनके जो है तो इंशाल्लाह उनको अच्छा रहेगा और उधर को आएंगे और बड़े पैर माने पर मुसलमानों के बच्चे आगे आएंगे तो हमारा ये कोशिश है। शुक्रिया। और मस्जिद आमिर की टीम माशाल्लाह दोनों मुफ्तियां ने इकराम की, मुफ्ती सैफ साहब और मुफ्ती सुहेल साहब मैदान पर गुफ्तगू करते हुए बढ़िया शॉट खेले दोनों उन्होंने, बढ़िया चौका वहां पर हाफ साइड में लगाते हुए मुफ्तियां ने इकराम की बढ़िया बल्लेबाजी, मुफ्ती इमरान साहब की माशाल्लाह गाइडिंग की हुई टीम है और दोनों मुफ्तियां ने इकराम बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मस्जिद अबू बकर के खिलाफ बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश हाफ साइड में, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा, अंपायर वाइड दिखाते हुए मुफ्तिया ने इकराम बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मस्जिद आमिर के मुफ्ती सैफ साहब मुफ्ती सुहेल साहब बढ़िया शॉट लेग साइड में एक रन लिया और वहां पर दूसरे रन की कोशिश, लेकिन गेंद बल्लेबाज के गेंदबाज के हाथ पर लेकिन कैश नहीं है कि गेंदबाजी बढ़िया शॉट लेग साइड
माइक का इशारा अंपायर की तरफ से। राइट प्लस ओवर का बाईस के बाद में और यहाँ पर गेंद छूटी और बैटमैन से दर्शन बढ़िया शॉट बढ़िया शॉट लेकिन ऊपर बढ़िया बैटिंग की कोशिश की